आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, पूरा घर डेकोरेट किया है, मेरा जन्मदिन ऐसे मनाया जैसे कोई त्योहार हो, इतना अच्छा सरप्राइज दिया और इतनी सुंदर इतनी महंगी डायमंड रिंग दी। चलो कम से कम तुम्हें याद तो रहा। मुझे लगा तुम अपने उन दोस्तों में इतना खो गई कि इस रिंग के बारे में भूल गई। आपने ना रिंग देने का टाइम ही गलत चुना था। आप जब मुझे रिंग दे रहे थे तब आई का कॉल आ गया था। अब आई का कॉल आएगा तो मैं उठाऊंगी ना, और आई ने कॉल पे तुरंत क्या बोला कि अंदर आ जाओ वरना काकू नाराज हो जाएंगे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे रिंग अभी भी तो दे सकते थे ऐसे जब हम अकेले हैं, हमारे पास फ्री टाइम है और मैं आराम से आपकी गिफ्ट की तारीफ कर सकती हूँ। ठीक है तो अभी दे देता हूँ। चाहे न चाहे निभाना है हमको, नाम क्या दे रिश्ते को हम ही न जाने, हम न माने पर जग रिश्ता ये माने, हाँ बदल गए पर कब तक रहे यूं अनजान, ओ गुम है किसी के प्यार में। आप ये आई के कॉल आने से पहले कुछ कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? हाँ वो वो बात छोड़िए, ये बताइए ये रिंग मेरा बर्थडे गिफ्ट ही है ना? नहीं सही, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट नहीं है, ये रिंग देकर मैं हमारे रिश्ते को। अगर ये मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं है तो मैं ये रिंग नहीं ले सकती विराज सर। मैं इतनी महंगी चीज लेने में आपसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन क्यों कंफर्टेबल नहीं हो? अगर आप मुझे ये रिंग उसी इरादे से दे रहे हैं जैसे बाकी हस्बैंड्स अपनी वाइफ को देते हैं प्यार जताने के लिए, तो मैं ये तोहफा नहीं ले सकती क्योंकि हमारे बीच ऐसा रिश्ता ही नहीं है। हमारे बीच अगर ऐसा रिश्ता बनना होता तो बहुत पहले ही बन गया होता, लेकिन आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक डील है जिसके बीच ऐसे महंगे तोहफे की कोई जगह नहीं। इसलिए मैं आपसे साफ साफ पूछ रही हूं कि क्या ये रिंग मेरा बर्थडे गिफ्ट है या कुछ और? बर्थडे गिफ्ट ही होगा ना, और क्या हो सकता है? मैं भला तुम्हें डायमंड रिंग क्यों दूंगा? कुछ भी सोचती हो तुम, बर्थडे है तो बर्थडे गिफ्ट ही होगा ना। काश मैं तुम्हें बता पाता सही, ये बर्थडे गिफ्ट के साथ मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। सही तो कह रहे हैं विराज सर, मेरे बर्थडे पर मुझे बर्थडे गिफ्ट ही तो देंगे, और क्या कारण हो सकता है? अगर इन्होंने ये रिंग किसी और वजह से ली होती तो फिर ये यहाँ मेरी उंगली में नहीं बाकी दीदी की उंगली में होती। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच विराज सर। इसे हमेशा पहन कर रखोगी ना? क्यों, आप किसी दिन वापस मांग लेंगे क्या? नहीं सही। फिर
आपने इतने प्यार से ये रिंग दी है, मैं इसे हमेशा पहन के रखूंगी। गुड, इसे प्लीज कभी मत उतारना, चाहे हमारा झगड़ा भी क्यों ना हो जाए, ठीक है? हाँ, झगड़ा तो हमारा बहुत होता है। चाहे मैं तुम्हें डिसअपॉइंट क्यों ना करूं। हाँ, वो भी बहुत होता है। अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं, सही, जिस दिन तुम मुझे ये अंगूठी वापस कर दोगी, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओहो विराट सर, आपने तो पूरा माहौल ही सीरियस कर दिया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारा रिश्ता इतनी आसानी से थोड़ी ना खत्म होगा। मैं घर छोड़ के भी चली जाऊंगी ना, तब भी बीच बीच में आपसे मिलने आती रहूंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मुझसे मिलने में? फिर से वही बात, घूम फिर के तुम्हारी सुई घर छोड़ने पर ही क्यों अटकती है? हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। सही, अगर तुम ये घर छोड़कर जाओगी तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और मैं मुड़ के अपने अतीत में झांकने वालों में से नहीं हूं। वाकई तुम्हें अतीत में झांकना पसंद नहीं है विराट, क्योंकि तुम अपनी गलतियां मानना ही नहीं चाहते। एटीट्यूड में क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मुझे भी ऐसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो। खैर छोड़ो, सही, आज तुम्हारा बर्थडे और मैं तुम्हारे साथ ऐसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, तो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी प्लीज सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सो सकती, मुझे पढ़ाई करनी है। कॉलेज से आके मैंने कुछ रिवीजन भी नहीं किया। आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए। अब ये करना जरूरी है, पहले ही सारी जगह तुमने घेर रखी है, ये तुम्हारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। डोंट वरी सही, रात को करवट बदलते वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं आ जाऊंगा। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे पता है आप इस तरफ नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे पिलो लगा के ना मुझे इस तरफ अच्छा लगता है, अपनी पर्सनल स्पेस जैसा लगता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, लेकिन एक बात तुम समझ लो, आज तुम बीच में तकिए रख रही हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम ही मुझसे कहोगी ये तकिए हटाने को। मैं क्यों कहूंगी? मुझे तो अच्छा लगता है ये तकिए लगा के। श्योर? नहीं मतलब 100% वाला श्योर? 100,000% वाला श्योर। और हाँ, वैसे भी ये हमारे बीच तकिए आने का तमाशा क्यों करना, जब हमारे बीच पहले से एक इंसान है। सीरियसली, आज तुम ये मुद्दा उठा रही हो? सच सच होता है विराट सर, आज और कल में बदल नहीं जाता। सही, जिस बात की तुम बात कर रही हो ना, बदल चुकी है। पता नहीं तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रही है। मुझे सब नजर आ रहा है, वो भी जो अंधेरे की आड़ में छुपा हुआ है, जिन्हें देखना मुश्किल है। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब? अब क्या कर रही है ये?
पाखी दीदी, पाखी आप यहाँ? मैं यहाँ बाहर हवा खाने आई थी। ओके, आपका सरदर्द कैसा है? तुम्हें अगर हवा ही खानी थी तो हमारे कमरे के बाहर क्यों घूम रही थी? घर के बाहर ही चली जाती। आई मीन गार्डन में हमारा कमरा। प्लीज जाओ पाखी, प्लीज। क्रिकेट तो ऐसा ही बदनाम है, रंग तो इंसान बदलते हैं। तुम्हारी आज शाम की हरकत देखकर मैं भी मान गया हूँ कि इंसान को समझो कुछ और वो निकलता कुछ और ही है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखो मेरा। जो बात तुम मुझे कह रहे हो ना, वही बात मैं तुम्हें भी कह सकती हूँ। तो कहो ना, बताओ मैंने ऐसा क्या किया? क्या इस घर में सिर्फ मैं ही सब कुछ गलत करती हूँ? सही और गलत की बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, खास तौर पर तुम्हारे साथ। विराट सर, आप यहाँ खड़े होकर पाखी दीदी से बातें क्यों कर रहे हैं, वो भी मेरे सामने? आपको इनसे बात करनी है तो जाके इनके कमरे में कीजिए ना। हाँ? तुमने फिर से अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। मैं क्या तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि तुम्हारी कोई चाल मुझे समझ नहीं आएगी? एक बात तुम अच्छे से समझ लेना सही, तुम्हारा और मेरा कमरा एक ही फ्लोर पे, और हम दोनों के कॉरिडोर भी एक ही। और अगर मैं अपने कॉरिडोर में टहल रही थी और मुझे तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी तो क्या मैं अपने कान बंद कर लेती? बोलो, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लिया करो। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ पाखी दीदी, आप मुझे सफाइयां मत दीजिए, उन्हें दीजिए जो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। तुम चाहती क्या हो पाखी? तुम मुझसे पूछ रहे हो विराट कि मैं क्या चाहती हूँ? तुमने सिर्फ खुद को मुझसे दूर ही नहीं किया विराट, तुमने मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, मेरी खुशियां सबसे दूर कर दिया है मुझे। तुम पूरे के पूरे सही के हो गए हो। और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहती हूँ? You know what? मैं तुमसे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम मेरी नजर में पूरी तरीके से गिर चुके हो। अगर ऐसा है तो मेरा क्या लेना देना तुम्हारे सपनों और तुम्हारी ख्वाहिशों से? तुम्हारी नजरों से गिर चुका हूं ना, तो उसका बदला तुम सही से क्यों ले रही हो? Oh my God, तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो विराट? तुम कह रहे हो कि मैंने सही को जानबूझकर धक्का दिया तुमसे बदला लेने के लिए? आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। आप लोग भूल रहे हैं कि घर के बाकी लोग सो चुके हैं जो आपकी आवाजों से जग सकते हैं। और विराट सर, अगर आपको अपना गुस्सा निकालना ही है ना, तो घर के किसी कमरे में जाके चिल्ला लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ खड़े होकर गुस्सा नहीं करने दूंगी। तुम दिखाना क्या चाहती हो कि विराट तुम्हारे काबू में है? ये तुम्हारी इतनी सुनता है? आपको विराट सर को काबू में करना है तो आप कर लीजिए। ना ही मैंने आपको पहले रोका था और ना ही अब रोकूंगी। विराट ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है सही, ये मुझे अभी तक रुला रहा है। एक बात याद रखना, जो लोग बदलना जानते हैं ना, वो कभी भी बदल सकते हैं। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत लगाना, बहुत दुख होता है। आई होप तुम मेरी बात जल्दी समझ जाओगी। मैं समझ सकती हूँ बाकी दीदी आप क्या कह रही है, लेकिन उम्मीद तो तब टूटती है ना जब आप किसी से उम्मीद लगाते हो। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। आपने अपनी खुशियों की उम्मीद लगा रखी है विराट सर से, और मैंने अपनी खुशियों की डोर सिर्फ एक इंसान के हाथ में दी है, खुद के।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।